हेलो फ्रेंड्स, आप आए दिन सुनते ही होंगे 3 GB डाटा, 2 GB डाटा, 1 GB डाटा, 500 GB हार्ड डिस्क, 1 TB हार्ड डिस्क। जब आप कंप्यूटर खरीदने जाते हैं, कोई मोबाइल खरीदते हैं कि उसमें इतना स्टोरेज स्पेस है, इतना है, तो उसमें GB, KB, MB ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं। चाहे आप इंटरनेट डाटा रिचार्ज करना है, चाहे आपने कंप्यूटर में रैम लगाना है, तो GB, KB, MB, टेराबाइट, मेगाबाइट, ये सारे वर्ड जो है यूज किए जाते हैं। ये है क्या? इस विषय पे आज हमारा ये वीडियो है। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि ये चीजें कैसे काम करती है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सो दीज आर द डाटा साइज मेजरमेंट बेसिक ऑन दिस इज अ टॉपिक। और इसमें जो है, हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम बहुत सी जो डिवाइसेज है उनका यूज करते हैं, उनमें ये चीजें ऐड होती है। एज अ कंज्यूमर आपको इसका अगर नॉलेज होगा, दैट्स अ ग्रेट थिंग, बट एज अ स्टूडेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी कि व्हाट इज दिस। सो फ्रेंड, दीज आर द यूनिट्स। आप जो जीबी, केबी, एमबी देखते हैं, इनको हम यूनिट्स, ये यूनिट्स है जिससे डाटा को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, हम उसको मेजर कर सकते हैं कि कितना है। कि जैसे मान लीजिए 1000 ग्राम है तो 1 किलो है। कोई वेट की हम अगर बात करें तो वो 1 किलो है, 100 मीटर है, कोई कोई चीज 200 मीटर है, कोई इतना टन है, तो किसी का लेंथ है, किसी का वेट है, एटसेट्रा। तो कंप्यूटर में भी इसी तरह से डाटा को मेजर करने के लिए, कि जैसे आपके कंप्यूटर में कितना किलो डाटा है, तो हम किलो में नहीं बात करेंगे, हम केबी में, एमबी में, जीबी में, टेराबाइट्स में, इस तरह से कहेंगे कि ये चीज है। देखो, नॉर्मल बात है। अब ये चीजें आई कहाँ से? एक्चुअल में दीज आर दी बाइनरी डिजिट्स, जो हम ये कहते हैं कि यह हमारे शुरू हुई, यहां से आपने देखना है बिट। बिट है, इज कॉल्ड बाइनरी डिजिट। बिट को हम बोलते हैं, जो बिट है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर है, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है ये। 0 और 1, इसका मतलब ऑन या ऑफ है, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। सो ये इट्स अ नंबर सिस्टम, अगर हमने इसको देखना है। ये कंप्यूटर यूज्ड बाइनरी इंटरनली टू प्रोसेस एंड स्टोर डाटा। ओके, जो जितना भी हमारा जो सीपीयू है, जो कंप्यूटर है, जब हम इनपुट देते हैं, सीपीयू जो भी कैलकुलेट करता है डाटा को, वो बाइनरी फॉर्मेट में उसको कैलकुलेट करता है और उसी उस फॉर्म में फिर स्टोर भी करता है। बाइनरी कोड जो है वो ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन इंटरचेंज यूनिकोड, आर वाइडली यूज्ड बाइनरी इनकोडिंग सिस्टम फॉर रिप्रेजेंटिंग टेक्स्ट करेक्टर्स इन कंप्यूटर्स। सो जितना भी हमारा जो वर्ड है, अभी जब हमने ये एच टाइप किया, मान लो मैं ये एच टाइप कर रहा हूँ, ये हमें दिख रहा है एच, लेकिन इसके पीछे जो कहानी है वो ये है। इस तरह से इसके पीछे जो इसका यूनिकोड करेक्टर है वो होगा, ये 8 बिट्स में होगा। जी हाँ, तो ये 8 बिट्स में होगा, 8 बिट्स में ये डाटा स्टोर होएगा। ये टेक्स्ट करेक्टर रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो टेक्स्ट का जो करेक्टर है, इसको बिहाइंड में जो है, इसके कंप्यूटर के बिहाइंड में ये कहानी है, कंप्यूटर ने जिस उसमें इसको प्रोसेस किया। इसमें 2 नहीं होते। ओके, सो ये इसमें 0 और 1 पे ये काम करेगा। अब आप यहाँ देखिए, बिट यहाँ लिखा है मैंने 0 और 1, बाइनरी डिजिट, 8 बिट्स। ये जो थे आप देख रहे, ये 8 बिट्स है। 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। जो भी 8 बिट्स, यानी कि एक करेक्टर जो है, जो ये तैयार हुआ है, वो 1 बाइट का स्टोरेज स्पेस खर्च करेगा। अभी आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पे आपने डेस्कटॉप पे जाना, एक न्यू फाइल लेना, और यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट करके लेना। ये हमने जस्ट बिट करके नाम हमने एंटर किया इसमें। अब मैं एंटर करता हूँ, अभी आप देख रहे ये ब्लैंक है। मैं वापिस इस पे आता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, वापिस इस पे माउस को ले जाता हूँ। आप देखिए, इसमें साइज दिखा रहा है 0 बाइट। तो अभी जो इसमें साइज है वो 0 बाइट है। अब मैं क्या करूंगा कि अंदर इसमें फाइल ओपन किया और मैंने ये एच प्रेस किया और फाइल को सेव किया। अब मैं दोबारा बाहर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं दोबारा इस बिट पे जो माउस है उसको ले जाता हूँ, तो आप देखिए साइज लिख के आ रहा है 1 बाइट। तो इट मीन कि एक करेक्टर को जो हमने रिप्रेजेंट किया कंप्यूटर ने, वो इस फॉर्मेट में स्टोर किया, इसने बाइनरी फॉर्मेट में, और इसका जो स्टोरेज, जो साइज इसमें जो यूज हुआ, वो 1 बाइट खर्च हुआ हमारे कंप्यूटर का इस एच को स्टोर करने के लिए। इसी तरह आप स्पेस यूज करेंगे, सिंबल यूज करेंगे, वो हर चीज आ जाएगी। जैसे स्पेस, एक स्पेस प्रेस किया। सो अब आप देखिए कि यहाँ पर 2 बाइट्स हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर, रिफ्रेश करें, फाइल के ऊपर माउस ले जाए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 बाइट्स आ रहा है। यानी कि एक करेक्टर है और एक स्पेस है। कंप्यूटर में कुछ भी है, वो एक डाटा कंज्यूम कर रहा है, वो हार्ड डिस्क से चल रहा है और करंटली वो रैम से चल रहा है। अब डिफरेंट उसमें एक बार इनको मेजर कर लेते हैं, तो ये आप समझ गए होंगे कि एक करेक्टर को सेव करने के लिए, एक एक करेक्टर का जो साइज है, जो मेजरमेंट है, जो क्वांटिफाई करने के लिए हम जो उसमें यूज करते हैं, वो 1 बाइट है। और स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया 1 बिट, जो बिट है, बाइनरी डिजिट।
और हम इसको डिजिट्स भी कह सकते हैं, दैट्स ओके। 8 बिट्स 1000, ये आपका देखिए 1024 बाइट्स जब आपके होंगे तो वो 1 किलोबाइट बनेगा। इसी तरह से 1000 किलोबाइट्स, जैसे हम 1000 किलो, 1000 ग्राम का 1 किलो होता है, उसी तरह से 1024 किलो बाइट्स का एक, ये देखिए 1024 बाइट का जैसे 1000 ग्राम का 1 किलो होता है, उसी तरह से 1024 बाइट्स का 1 किलोबाइट होता है। ये आप इसको नोट कर लीजिए, देखिए 1024 मेगाबाइट्स 1 गीगाबाइट। अभी यहां पर देखिए मैं इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाता हूँ, ये थोड़ा टेक्निकल है, देखिए इसको आप मेजर करें। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इसमें स्पेस जो कंज्यूम हो रहा है, जैसे मान लीजिए ये एक फाइल है, इस फाइल का हमने स्पेस देखना है कि कितना डाटा कंज्यूम कर रहा है। सो आप देख सकते हैं कि यह 21.5 KB साइज ले रहा है। आप दिस पीसी में मैं जाता हूँ, और इस दिस पीसी में जाके मैं किसी हार्ड डिस्क पे राइट ये करता हूँ, तो यहाँ देखिए स्पेस फ्री है 182 GB और टोटल साइज है 376 GB। तो आप देख सकते हैं कि ये आया कहाँ से, वो इधर से, देखिए ये जीबी 1 गीगाबाइट 1 GB, लेकिन वो कितने में है, टेराबाइट। वो जो है वो उसका साइज जो है हर एक का डिफरेंट होगा, लेकिन आएगा यही मेजरमेंट, जो ये होंगी यही यूनिट्स, KB, GB, TB, PB, EB, जेराबाइट्स, जेटाबाइट सॉरी। सो ये सारी जो चीजें वो आएगी। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट लेवल पे इसको हम ले जाते हैं, और वहां पर हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपने अब इंटरनेट डाटा पैक रिचार्ज करवाया 1 GB का। अब 1 GB डाटा पैक अगर आपने रिचार्ज कराया तो वो कितना चलेगा, किस तरह से चलेगा, उसमें कितना हम वीडियोस देख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, हायर वीडियो क्वालिटी कंज्यूम मोर डाटा, तो यूट्यूब ऑफर सेवरल वीडियो क्वालिटी ऑप्शन इंक्लूडिंग 144 365 पिक्सल। सो अब होगा क्या कि अगर हम इसको, जब हमारे पास मान लीजिए 1 GB डाटा पैक है, आपने सिर्फ यहां समझना कि अगर 1 GB डाटा पैक हमारे पास है, तो हम उसके अंदर जो साइज है फाइल का, जो फाइल हम देख रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, उस पे मैटर होगी कि मान लीजिए अगर हम ये 1 GB है, 1024, ये 1024 मेगाबाइट्स है ये, ठीक है, ये आप देखें, और आप कोई वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो का जो साइज है वो पिक्सल्स में है, या जो आप अपलोड कर रहे हैं वो 50 MB है, तो आप देख सकते हैं कि 1024 से ये माइनस आप कर लेंगे, तो ये यानी कि इतना हमारा कंज्यूम होता रहेगा इंटरनेट पे जब हम चलाएंगे। इसी तरह से इंटरनेट पे, और अगर आप कुछ कर रहे हैं तो टास्क मैनेजर में जाइए, अपना इंटरनेट का स्पीड देखना है आपने कि कितना स्पीड ले रहा है, तो वो भी आपको यहाँ नजर आएगा। ये परफॉर्मेंस में जाना है आपने, ये देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है वाईफाई, जैसे अभी मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, अभी ओपन नहीं है, तो आप देखिए सेंड 0 KB कर रहा है, रिसीव 0 KB कर रहा है, लेकिन जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, क्रोम को ओपन किया मैंने, और यहां पर मैं सर्च करता हूँ कुछ, ये मैंने यहाँ पर वेबसाइट ओपन किया, वेबसाइट ओपन करते आप देखिए कि मैंने यहां से कितना सेंड हुआ डाटा उस फाइल को, उस वेबसाइट को ओपन करने के लिए, और ये आप देख रहे हैं किलोबिट पर सेकंड, ये हम स्पीड चेक कर रहे हैं सेंड एंड रिसीव की जो स्पीड आ रही है, और इसमें जो डाटा ट्रेवल कर रहा है, ये इतने सेकंड से वो डाटा ट्रेवल कर रहा है जितना इसका साइज होगा। आपने देखा होगा कि कोई वेबसाइट अगर उसमें ज्यादा लोड है या वीडियो है, उसको ओपन होने में ज्यादा समय लगता है, इट मीन वो हाई क्वालिटी का है, उसका जो साइज है वो ज्यादा है। सो ये साइज को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। इसी तरह से हम हार्ड डिस्क का हो आपका, मेमोरी हो आपका, रैम है जैसे, सो कितना रैम कंज्यूम हो रहा है, तो आप देखिए इन यूज 5 GB, ओके, तो अब और एक्स्ट्रा कितना है, 1.9 GB, यानी कि इस तरह की अभी 3, 4, 10 वेबसाइटें ओपन की जा सकती है, और ये पूरा आपका जो वेबसाइट, जो आपका कंप्यूटर है, उसको डाटा को मेजर करने के लिए यूज होता है, जितना भी आपका KB, MB यूनिट्स होती है, चाहे वो रैम हो, चाहे वो हार्ड डिस्क है, चाहे वो इंटरनेट पे आप कोई डाटा कंज्यूम कर रहे हो या इंटरनेट पे कुछ देख रहे हो, वो उसके साइज पे डिपेंड करेगा कि आपने कितना वजन उठाया है, ठीक है, वो इट डिपेंड ऑन दैट। सो मेनली आपने यही याद रखना है कि दीज आर द यूनिट्स टू क्वान्टिफाइड डाटा, और ये इसकी डिफरेंट एक्सप्लेनेशन थी। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी, एंड यू गॉट सम टिप्स ऑन दिस। थैंक यू वेरी मच।